खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। पटना में मिठाई दुकानों में फूड डिपार्टमेंट की छापेमारी, मचा हड़कंप। रोशनी का त्योहार दीपावली में अब केवल 2 ही दिन शेष बचे हैं। लोगों ने धूमधाम से इस पर्व को मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस दिन हर घर में मिठाइयां मंगाई जाती है जिससे दिवाली की खुशियों को सेलिब्रेट की जा सके। हालांकि लोगों को नकली और मिलावटी मिठाई ना मिले इसके लिए पटना में मिठाई दुकानों में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। दीपावली से पहले मोदी सरकार का एक और राहत पैकेज। कोरोना संकट में पटरी से उतर गई देश की अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने बताया कि अर्थव्यवस्था की हालात में बहुत सुधार हुआ है, जिसको लेकर दीपावली से पहले मोदी सरकार का एक और राहत पैकेज का ऐलान होने वाला है। तेजस्वी यादव ने की रिकाउंसलिंग की मांग, बोले 20 सीट पर जानबूझकर हरवाया गया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव में विश्वसनीयता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। तेजस्वी यादव ने रिकाउंसलिंग की मांग की है। तेजस्वी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें कम से कम 20 सीट पर जानबूझकर हराया गया। जवान से 4 लाख रुपए छीनकर भाग रहे कोढ़ा गिरोह के 2 सदस्य पकड़ाए, थाने से एक फरार। नाथनगर थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के समीप बुधवार को रुपए छीनकर भाग रहे कोढ़ा गिरोह के 2 बदमाश को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया, जिसमें एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर नगर थाना क्षेत्र से भागने में सफल रहा, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। नगर थाना और DIU की टीम भागने वाले बदमाश की तलाश में जुटी हुई। सिवान में अपराधियों ने CSP संचालक को मारी गोली, 1.5 लाख रुपए लूटे। बिहार विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही अब एक बार फिर अपराधी सक्रिय हो गए हैं। अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चकमा देकर खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में अपराधियों ने गुठनी थाना क्षेत्र के धनवती बाजार में CSP संचालक को गोली मार कर जख्मी कर दिया और 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बिहार में कोरोना की रफ्तार पर लगी ब्रेक के बाद फिर मिले कोरोना के 523 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 6915। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य में कोरोना की रफ्तार कम गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के अनुसार कोरोना के 523 नए मरीज मिले हैं। सीएम नीतीश पहुंचे जदयू कार्यालय, पार्टी दफ्तर में विधायक दल की बैठक शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल होने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार जदयू ऑफिस पहुंचे। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कई बड़े नेता मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। RGD कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, आम लोगों को लाठी डंडे से पीटा। चुनाव परिणाम के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में यहां की जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को पसंद किया है। कांटे की टक्कर में NDA को बहुमत मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में NDA की सरकार बनने जा रही है, लेकिन उनकी जीत से महागठबंधन पूरी तरह असंतुष्ट है। यहां तक कि राजद के कार्यकर्ताओं ने गुंडई पर उतर कर आरा में RJD के कार्यकर्ताओं ने आम लोगों की खूब पिटाई की है। महागठबंधन में घमासान, हार का ठीकरा कांग्रेस ने RJD के माथे पर फोड़ा। कहा, पार्टी को दी गई कमजोर सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार के बाद महागठबंधन में घमासान मच गया है। कांग्रेस ने हार का ठीकरा RJD के माथे पर फोड़ा है, तो वही माले ने हार का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया है।
कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लेकिन सिर्फ 17 सीट ही जीत पाई। सीएम से मुलाकात के बाद मांझी ने कांग्रेस आरजेडी विधायकों को दिया ऑफर, बोले नीतीश के साथ आए। कांग्रेस में हलचल के बाद जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को ऑफर दिया है। मांझी ने कहा है कि कांग्रेस आरजेडी के विधायक सीएम नीतीश के साथ आ जाएं, उनकी बातों को सीएम नीतीश कुमार तरजीह देंगे, उसकी विचारधारा भी नीतीश कुमार के साथ मिलती है। मांझी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस के विधायक एनडीए के साथ आए, के साथ आकर एनडीए को मजबूत करें। नीतीश कुमार सबके नेता हैं, जहां पर नीतीश हैं वहां पर विकास है। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।